नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अंकिता भंडारी के माता पिता अपनी बेटी को न्याय मिलने में हो रही देरी से नाराज हैं और मुख्य रूप से ऋषिकेश में चल रहे अनशन के दौरान शकुंतला रावत को जबरदस्ती उठाने पर भी प्रशासन से खफा है। उन्होंने अपनी बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच के साथ आरोपियों को नार्को टेस्ट कराने की भी मांग अब सरकार से कर दी है। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा वो हर संभव कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट से वापस ऋषिकेश घर जाने के दौरान अंकिता के पिता और माता ऋषिकेश में मौजूद कोयल घाटी में पिछले 41 दिन से चल रहे धरना स्थल पर पहुंचे और यहां उन्होंने बेटी को न्याय दिलाने के लिए अनशन करने वाली मातृशक्ति का आभार व्यक्त किया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने में लगातार देरी होती हुई दिखाई दे रही है और सरकार उनकी मांग पर भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। एसआईटी की जांच भले ही सरकार करा रही है लेकिन उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है। हमारी एक जो 70 साल के आसपास जो बुजुर्ग हमारी बहन थी उनको यहाँ से घसीटा हुआ था, तो मैं उन्हीं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने मेरी शकुंतला दीदी को यहाँ से घसीटते हुए देख ले गए, उसी तरह क्या आप पुलकित आर्य सौरभ भास्कर अंकित को घसीट के ले गए? और इसी खबर पर हमारे साथ ऋषिकेश से संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से अंकिता के परिजन लगातार न्याय की मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं, अभी की क्या अपडेट है? यहाँ वो कल परसों रात को देरी से वहाँ पहुँचे लेकिन कल सुबह हमारी जब उनसे बात हुई तो वो काफी दुखी थे। उनकी जो अंकिता की मां थी वो लगातार रोए जा रही थी। संजय, मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रही है? जी, आवाज आ रही है मेरे को? जी संजय, जिस तरह से उनकी जो माता जी थी वो लगातार रोए जा रही थी लेकिन उनके जो पिता थे वो देखना ही बैठे थे और धरने स्थल पर उन्होंने सब लोगों से एक ही बात कही कि आप लोगों के साथ मैं हूँ और अगर मेरी कई जरूरत पड़ती है तो मैं लगातार उनके साथ बना रहूंगा, क्योंकि वो काफी दुखी थे कि मेरी बेटी को जो न्याय मिल रहा है उसमें काफी देरी हो रही है और वो देरी की वजह से काफी दुखी लग रहे थे और उन्होंने कहा जब सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम धरने पे से नहीं हटेंगे। क्योंकि अभी पिछले 3 दिन पहले जो शकुंतला रावत थी उनको प्रशासन ने रात को 12 बजे उठाया और उन्हें देहरादून हॉस्पिटल में ले गए लेकिन वो अगले दिन ही वापस आ गए। लेकिन उसी दिन रात को वहाँ पर जो दूसरी एक कार्यकर्ता थी जिनका नाम सरोजिनी ठपकियाल है वो वहाँ पर जो धरने पर लगातार बैठी है। आज उनको 7वां दिन है और लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। संजय, क्या कारण है कि अंकिता को अभी तक न्याय जो न्याय है वो नहीं मिल पा रहा है? न्याय ना मिलने का कारण यही है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जो लोग वहाँ पर जिनके लिए कहा जा रहा है कि वीआईपीओ के नाम बताया जाए तो वही लोग हैं जो दबाव बनाए बैठे हैं सरकार पे या सरकार उनके दबाव में है भी कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन क्या है कि उनका नाम लगातार छुपाया जा रहा है, अगर वो नाम बता देंगे तो सरकार की थू तो होगी, साथ ही सरकार में जो मंत्री या जो अधिकारी हैं उनके नाम सामने खुल के आएंगे और इसी वजह से जो है सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। नारायण बगड़ प्रखंड के ही हंस कोटी गांव में आयोजित 9 दिवसीय पांडव और महायज्ञ के तीसरे दिन ही लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने लोगों के झूमते हुए मजबूर कर दिया है। और 9 दिवसीय पांडव महायज्ञ में इस बार एक नई पहल की शुरुआत की गई है और जिसके लिए पांडव महायज्ञ लीला से अलग विशाल पंडाल जो है वो सजाया गया है और इस मंच पर राज्य भर के प्रसिद्ध लोक गायकों और कला मंच से जुड़े कलाकारों ने लोक गीतों की प्रस्तुति से सबका मनोरंजन कर खूब वाहवाह बटोरी है। और तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के शुरुआत में ही मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी और पूर्व ग्राम प्रधान MN चंदोला माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज किया गया।
पौड़ी के श्रीनगर विधानसभा के पालो ब्लॉक के निसड़ी गांव में ही 5 वर्षीय पीयूष को घात लगाए गुलदार ने निवाला बना लिया है और घटना के बाद से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है और देर शाम बालो ब्लॉक के निसड़ी गांव में ही 5 साल का पीयूष खेलकर अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक घात लगाए गुलदार ने पीयूष पर हमला कर दिया और ग्रामीणों के शोर शराबे करने के बाद गुलदार ने पीयूष को छोड़ दिया। लेकिन इस बीच गुलदार ने 5 साल के मायूस को ही मासूम बच्चे को गंभीर घायल कर दिया है और बच्चे को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है और इस दौरान ही घटना को लेकर ग्रामीण का वन विभाग के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला है। वन विभाग द्वारा मौके पर पिंजरा लगा दिया गया और साथ ही गुलदार को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस घटना पर क्षेत्रीय विभाग और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड धन सिंह रावत ने दुख प्रकट किया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है और इस दुख की घड़ी में सरकार परिवार के साथ खड़ी है और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रावत ने जिलाधिकारी और DFO पौड़ी को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि तत्काल गांव में पिंजरा लगाया जाए और वन विभाग की टीम जल्द से जल्द गुलदार को हर हाल में पकड़े। उत्तरकाशी में मंगसीर की बगवाल की धूम है और देर रात तक कई गांव में ग्रामीण पारंपरिक बगवाल में गेमू घुमाते हुए नजर आए हैं और ग्रामीण मंगसीर की ही बगवाल को 3 दिन तक मनाते हैं। पहाड़ की इस खास दीपावली यानी कि बगवाल को मनाने के लिए अन्य राज्यों में रहे प्रवासी भी बड़ी संख्या में गांव में पहुंच रहे हैं और इतिहास के जानकारी बताते हुए मंगसीर के बगवाल गढ़वाली सेना के तिब्बत विजय का उत्सव है। हरदोई के मछला थाना क्षेत्र में बच्चे के जन्म पर हो रहे कार्यक्रम में हुई हर्ष फायरिंग में एक किशोरी गोली लगने से घायल हो गई है और किशोरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल सूचना को पुलिस को नहीं दी गई है। आपको बता दें कि हरदोई से खबर है जहां पर हर्ष फायरिंग से किशोरी घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि मामला सामने आया हरदोई से जहां पर जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है किशोरी का और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि हरदोई के मझीला थाना क्षेत्र में बच्चे के जन्म पर हो रहे कार्यक्रम में फायरिंग में एक किशोरी गोली लगने से घायल हो गई है। किशोरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है जहां पर किशोरी का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल सूचना पर जो सूचना है वो पुलिस को नहीं दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से संवाददाता मोहम्मद आशिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिफ, एक फायरिंग की गई है, हर्ष फायरिंग में किशोरी घायल हो गई है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला मझला थाना क्षेत्र का है। बच्चे का जन्म हुआ था, उसी पे एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें किसी ने हर्ष फायरिंग की, वो उस किशोरी को लगी, हाथ में लगने से वो घायल हो गई गंभीर रूप से, जिसको जो है CSP भेजा गया। CSP में डॉक्टर ने उपचार किया, उसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसे उसका उपचार किया जा रहा है। जी जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये फायरिंग की गई है, क्या अभी तक आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो पाया है, क्या पुलिस को सूचना दी गई है पूरी घटना की? जी, पुलिस को सूचना दी जा चुकी है और पुलिस चुकी जांच पड़ताल कर रही है और फायर कैसे लगी है, किसने मारी है, इसकी जांच चल रही है। जी, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। वहीं घायल जो किशोरी है उसके परिजनों को क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? उनका यही कहना है कि किसी ने हर्ष फायरिंग की है जो उसको गोली लग गई जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, पुलिस की तरफ से कोई इस पर टिप्पणी सामने आई है अभी तक आशिफ? पुलिस का कहना है कि जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसने गोली मारी है इसकी की जा रही है। फिलहाल किशोरी की हालत जो है वो किस तरह से बताई जा रही है, क्या वो गंभीर रूप से घायल है या अभी वो खतरे से बाहर? नहीं, अब आप चूंकि उसके हाथ में गोली लगी है, अब जो उसकी हालत है वो इससे सही है और जिला अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। जी आशिष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
महादेवा में जिला अधिकारी अविनाश कुमार अपनी पत्नी प्रीति सिंह के साथ फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया और उसके बाद डीएम ने मंदिर में पूजन अर्चना किया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारियों ने बताया है कि अभी हम बाराबंकी आए हैं और हमें जानकारी नहीं थी कि यहाँ की क्या परंपरा है, मगर महादेव महोत्सव फरवरी महीने में अवश्य कराया जाएगा, जिसके बाद एक दिवसीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आपको बता दें बाराबंकी से खबर है, जहां पर डीएम ने मेले का उद्घाटन किया है और भारी संख्या में इस मेले में लोग मौजूद रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की गई है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मंदिर में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं और उसके बाद ही महादेव महोत्सव फरवरी माह में अवश्य कराया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद एक दिवसीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। फरुखाबाद में सुबह होते ही जीएसटी टीम की तीन फार्मों पर ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि एक ही जगह में चल रही तीनों फार्मों में जीएसटी के अधिकारियों ने छापा मारा है और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी जीएसटी की छापेमारी में बड़े पैमाने पर जीएसटी टीम ने जीएसटी चोरी को पकड़ा था और टीम ने तीनों प्रमुख के कागजों को खंगालते हुए जुट गई है और आपको ये भी बता दें कि तीनों फार्म एक ही व्यक्ति के नाम पर है। और इसी खबर पर हमारे साथ फरुखाबाद से संवाददाता आदेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश, जिस तरह से मामला सामने आया है, तीन फार्मों पर छापेमारी हुई है और जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ बताया जा रहा है इलाके में। देखिए मैं बता दूं, इससे अभी कुछ ही दिन पहले आयकर विभाग और जीएसटी की टीम ने छापा मारा था, जिससे कई लंबा सब्जियों में फिर और जो है काफी बड़ी संख्या में जीएसटी चोरी पकड़ी गई थी। जिस तरीके से आज सुबह जो है जीएसटी टीम ने छापा मारा है, उससे हड़कंप मच गया है। एक ही फर्म के नाम से तीन फर्में चलती हुई मिली हैं, जिन पर छापा पड़ा है। उसके बाद जो है अब जीएसटी टीम कागजों की तलाश कर रही है और गहनता से जांच कर रही है। जी जी आदेश, क्या गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है? देखिए मैं बता दूं, कुछ ही दिनों पहले अभी छापा पड़ा था, उसी तरीके से अचानक आज जीएसटी टीम सुबह पहुंच गई भारी पुलिस दल के साथ और जो है वहां पर तीनों एक ही फर्म के नाम से तीनों कंपनी चलती हुई तीनों पर छापा मारा, जिससे हड़कंप मच गया है। जी जी आदेश, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए मैं बता दूं, अभी लगातार जीएसटी टीम की छापेमारी चल रही है और कागजों की जांच पड़ताल चल रही है। देखना होगा शाम तक क्या निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी जी आदेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। रामपुर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आमने सामने है और दोनों ही पार्टियां अपनी जीत दर्ज कराने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग जितेंद्र प्रसाद आज रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचकर ही उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोट की अपील भी की है। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कभी नहीं हुआ वो अब होने वाला है। प्रधानमंत्री जी के 8.5 साल के कार्यकाल में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 5.5 साल के कार्यकाल में बीजेपी की लहर चल रही है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और अभी कुछ ही दिन पहले आजमगढ़ लोकसभा का परिणाम और रामपुर लोकसभा का परिणाम सबने देखा और आने वाली 5 तारीख को जो मतदान होगा उस दिन रामपुर शहर विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा और इतिहास रचेगा। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो कभी नहीं हुआ वह अब होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 8.5 वर्ष के कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के 5.5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा की लहर चल रही है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले आजमगढ़ लोकसभा का परिणाम और रामपुर लोकसभा का परिणाम सभी ने देखा और आने वाले 5 तारीख को जो मत पड़ेगा, कमल का फूल रामपुर की इस विधानसभा में खिलेगा और इतिहास रचा जाएगा।
मैनपुरी थाना करहल क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां एक महिला से जबरन संबंध कर उसका अश्लील वीडियो बनाया गया है और साथ ही वीडियो को वायरल करने की धमकी आरोपी दे रहा है, जिसको लेकर महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर महिला न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और वहीं पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने कहा कि उन्होंने संबंधित थाने को कार्रवाई के आदेश दे दिए। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि करहल थाने के एक महिला को परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में इंस्पेक्टर करहल को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण तथ्यों की गहनता से छानबीन कर और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। और इसी खबर पर हमारे साथ मैनपुरी से संवाददाता अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरह से सामने आया है मामला कि महिला न्याय की गुहार लगा रही है और लगातार महिला जो है आरोप लगा रही है कि उसका MMS बनाया गया है, पूरा मामला क्या है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला मैनपुरी थाना करहल के साथ है, जहां पर महिला से जबरन संबंध बनाकर उसका बनाकर उसको वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती संबंध बनाना चाहता था। आरोपी असीम की शिकायत पीड़िता ने थाने में की, लेकिन पुलिस थाना करहल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं पुलिस अधीक्षक मंत्री कमलेश दीक्षित ने बताया, उन्हें मामले की जानकारी सोशल मीडिया से जानकारी होने पर संबंधित थाने को कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं यहाँ के निवासी पीड़िता SP कार्यालय पहुंची, SP पत्र देती हुई उसने बताया कि उसका पति आतिशबाजी का काम करता है और उसी के मालिक द्वारा पीड़िता के घर पर रहकर उसके साथ गलत काम किया है। जी, अब पुलिस के द्वारा भी क्या गिरफ्तारी हो पाई है आरोपी की अभी तक? जी, जो पुलिस अधीक्षक संदीप दीक्षित है उन्होंने बताया, हमने थाने पे कह दिया है, आवश्यक मामला संज्ञान में लेके लिए कार्रवाई की बात करी है। और महिला क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है कि महिला जो है उसका पूरा परिवार साथ में मौजूद है, उसके बाद महिला के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन अभी तक अलर्ट नजर नहीं आ रहा है अरुण? कि देखिए, जो महिला है उसका कहना है, जो उसका पति है उसके काम करता था मालिक है, जो महिला के साथ 2 महीने से लगातार गलत काम किया गया और वीडियो बनाकर उसको धमकाया गया है, वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी है और दोबारा संबंध बनाने का दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़िता की ओर से इसकी शिकायत थाने पर की गई, तो पुलिस ने आरोपी पकड़ लिया। वही जब पुलिस द्वारा पीड़ितों को दोबारा पीड़ित को थाने बुलाया गया तो ग्यारह के घरवालों द्वारा रास्ता घेर लिया गया है और जान संभालने की धमकी दी गई है। जी अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।